हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और यह लेक्चर 3 है और मैं IIT JEE और GATE जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं और यह स्पोकन इंग्लिश का क्लास चल रहा है और मैं बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं। और मेरे प्लेलिस्ट देखिए, और जैसे ही आप लोग मेरा 20-25 लेक्चर देख लेंगे तो आप लोगों को खुद विश्वास हो जाएगा, या मेरा सिर्फ लिखा हुआ नहीं, यह गारंटी है कि आप इंग्लिश आसानी से बोल लेंगे। और मैं आपको कभी रटाऊंगा नहीं, रट्टा मारो ये वगैरह, एकदम बिल्कुल आसान से ले जाएंगे। जैसे लगता है ना कि एकदम आराम से, मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं बिना रट्टे, उस तरह से। तो यह 3रा लेक्चर है, तो पहले का 2 लेक्चर कैसा लगा थोड़ा उसको कमेंट में बताइए। तो चलिए 3रा लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। तो 3रा लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे मैनर। मैनर, मैनर का हिंदी होता है शिष्टाचार। तो शिष्टाचार होता क्या है? तो हिंदी में तो शायद आप लोगों को पता ही होगा शिष्टाचार, किसी को आदर करना, किस टाइम पर किस तरफ से बिहेव करना, अपने डिसिप्लिन में रहना, यही सब शिष्टाचार होते हैं। तो शिष्टाचार के कुछ मतलब वर्ड होते हैं, जब कब यूज करें। तो हमारा पहला है कि यूज ऑफ प्लीज एंड काइंडली। तो प्लीज का और काइंडली का यूज कब करते हैं? तो कब हम कहें किसी से प्लीज, कब का उपयोग करें, कब काइंडली का? तो इसका, तो मानिए कि कभी किसी से हेल्प लेते वक्त या कुछ मांगते वक्त या कोई काम कराने के लिए किसी से प्लीज का और काइंडली का उपयोग करते हैं। यानी इसका मतलब होता है कृपया, दोनों। यानी प्लीज का भी मतलब कृपया होता है और काइंडली का भी मतलब कृपया ही होता है। जैसे कि मुझे एक पेन दीजिए, जब आपके पास कोई पेन ना हो, दोस्त के पास से पेन मांगना हो, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि भाई एक पेन दे दो मेरे को। तो बोल सकते हैं प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन, मेरे को एक पेन दीजिए। अगर आपको जा रहे हैं कहीं, सपोज करिए कहीं जा रहे हैं अपने बाइक से या कार से, आपके टायर पंचर हो गए, टायर आपसे खुल नहीं रही है, कोई आया बगल में या जा रहा है, उसे आप कहेंगे भाई मेरा टायर खोल दीजिए, तो उसको कैसे कहेंगे? तो बोलेंगे कृपया मेरे भैया टायर खोल दीजिए, मेरे को कृपया हेल्प करिए। तो वहाँ पे बोल रहे कृपया हेल्प करिए कि इंग्लिश लिखेंगे प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, HELP, हेल्प मी। अगर मान लीजिए आपने किसी तरह से कोई किस दोस्त आपका है, उससे बुक मांगे, बुक दे दिया, उसको पढ़ के लौटाना है, सॉरी मांगना है, तो कैसे करेंगे? भाई प्लीज की अपना किताब दे दो, भाई प्लीज गिव मी योर बुक, एक दिन के लिए दे दो। तो ब्रदर प्लीज गिव मी अ बुक फॉर अ डे। तो इस तरह से कुछ भी कोई मांगने के लिए, सहायता मांगना हो या किसी से मदद मांगने हो, तो प्लीज का उपयोग करते हैं। जैसे प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज प्लीज हेल्प मी, प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज लाइक मी, प्लीज सी मी, मतलब मेरे को देखे। तो इस तरह से प्लीज का उपयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ प्लीज का मतलब समझ में आ गया होगा। सेकेंड, सेकेंड है थैंक यू का उपयोग कब करते हैं? थैंक यू का उपयोग कब करते हैं? तो भाई जब, वही से आगे बोला स्टेप, थैंक यू का, जब कोई हेल्प कर दिया, जैसे कोई मांगे प्लीज हेल्प मी, तो जैसे हेल्प कर दिया और हेल्प उसका हमारा सक्सेसफुल हो गया, मतलब वो मेरे को पेन दे दिया, तो पेन लौटाते वक्त क्या बोलेंगे? थैंक यू। और कोई भी चीज़ मतलब कि हेल्प कर दे, जैसे कोई किसी से आपने बुक मांगा, वो बुक दे दिया, तो उसको थैंक यू बोलिए। कोई आपका
सहायता कर दिया, जो बाधा था, प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व कर दिया, तो उसको थैंक यू बोलिए। लगता है आपको कि कोई काम हमसे नहीं हो पा रहा है या कोई काम की नहीं हुआ और किसी के बंदे के द्वारा किया जाता है, किसी आदमी कर देता है, तो उसको थैंक यू बोलिए। कोई भी काम रुका हो वो कर देता है तो थैंक यू। नेक्स्ट अब आता है यूज ऑफ वेलकम और मेंशन नॉट इट्स ओके, ये कब बोलते हैं? तब आपको जैसी ये थर्ड स्टेप हो गया हमारा, थर्ड वाला, जैसी मतलब कोई आपको थैंक यू बोले तो उसको बोलिए वेलकम, मेंशन नॉट इट्स ओके। जब कोई थैंक यू बोल देता है तो उसको आप बोलिए वेलकम, मेंशन नॉट इट्स ओके, यानी थैंक यू के बाद ये वाले वर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ ओके, तो ओके का प्रयोग कब करते हैं? मतलब कोई आपके सूचना दे दिया, मतलब कि भाई एक काम कर दिया, ठीक है भाई ओके, सर मैं आपका नोट्स टेबल पे रख दिया, तो सर बोलेंगे ओके, मतलब ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि ठीक है अच्छा जी, तो इसका जैसी कोई काम कर दे अच्छा जी ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में ओके जी, सर मैंने आपको किताब ला दिया ओके, तो सर बोलेंगे ओके, मम्मी ले बोलिएगा मम्मी मैंने अपना लंच पैक कर लिया, तो मम्मी बोलेगी ओके, तो इस तरह से ओके। पापा से बोलिए पापा मैंने यहाँ पे जो पैसा रखा था ले लिया, तब पापा को कोई मतलब इतनी नहीं है, संदेह तुम्हारे लिए पैसा रखे थे, तो पापा बोलेंगे ओके, सर मैंने आपका सारा दिया गया होमवर्क याद कर लिया, तो सर बोलेंगे ओके। तो आशा करता हूँ ओके भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यूज ऑफ आफ्टर यू, यूज ऑफ आफ्टर यू, यहाँ पे स्पेलिंग टाइप गलती हुई है, यूज ऑफ आफ्टर यू, तो आफ्टर यू का प्रयोग कब करते हैं? तो हिंदी में हमने पहले कोई भी चीज़ शिष्टाचार में कहीं जाते हैं तो कहते हैं पहले आप करिए, पहले आप उठाइए, पहले आप खाइए, पहले आप चलिए, तो यही पहले वाले को बोलते हैं आफ्टर। जैसे सर ने बोले ठीक है चलते हैं, तो सर को हमने बोलते हैं सर पहले आ गए, पहले आप चलिए, तो बोलेंगे आफ्टर यू सर। जैसे ही आए कोई, मान लीजिए आपके घर पे मेहमान आया है, तो उसको बोलिए कोई भी पानी दिए, एक साथ पानी लिए चाहे चाय उठाए, तो जो मेहमान को, तो बोलेंगे पहले आप उठाइए चाहे आप पीजिए, तो उसको बोलेंगे आफ्टर यू। तो इस तरह से मतलब कि बोलते हैं कि आपके बाद में करूँगा, पहले आप लीजिए, तो पहले आप लीजिए या पहले आप करिए, इस तरह से जितना रिस्पेक्ट देते हैं उसको हम बोलेंगे आफ्टर यू। ठीक है, सपोज करिए हमारे साथ हमारे चार पांच दोस्त है, उसी में एक टीचर भी बैठे हैं, तो दोस्त और हम क्या बोलेंगे सर को? सर आफ्टर यू सर, मतलब आपके बाद, पहले आप लीजिए सर उसके बाद हम लेंगे, आफ्टर यू का मतलब उसके बाद हम, यानी पहले आप लीजिए। ओके नेक्स्ट यूज ऑफ एक्सक्यूज मी, तो एक्सक्यूज मी का यूज कब होता है? एक्सक्यूज मी का यूज जब किसी व्यक्ति को अपने ओर आकर्षित, यानी वो कोई काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, यानी आपसे मतलब कि अभी मतलब कि आपके बातों पर ध्यान नहीं दिया है या आपके तरफ नहीं देख रहा है या आपको नहीं सुन रहा है, तो उसको एक्सक्यूज में बोलते हैं। इसके मतलब होता है कि माफ़ कीजिएगा सर, जो आप कर रहे हैं उसमें हम बाधा डालें, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका हिंदी मतलब इसका अर्थ होता है माफ़ कीजिएगा सर, जो आप काम कर रहे हैं मैं उसमें बाधा डाल रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मान लीजिए दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं और मेरे किसी एक पर्सन से बात करना है, ज़रूरी बात करना है या ज़रूरी नहीं है मतलब बात करनी है, तो दो आपस में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे बोलेंगे एक्सक्यूज मी ब्रदर, भाई हो जो दोस्त हो, तो एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी पापा, एक्सक्यूज मी मम्मी, जो भी हो, तो वहाँ पे उसके बाद अपना बात कहेंगे कि हमको एक गिलास पानी दीजिए,
तो सर हम एक्सक्यूज मी सर प्लीज प्लीज गिव माई प्रोजेक्ट फाइल, तो इस तरह से एक्सक्यूज मी का प्रयोग किया जाता है, यानी जब किसी को वादा दे उसे, ठीक है। अब डॉक्टर से मान लीजिए हॉस्पिटल में गए हैं, डॉक्टर साहब अपने काम में बिजी हैं और डॉक्टर को अपने तरफ कोई बात पूछनी है, तो पहले बात पूछने से पहले बोलेंगे एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्या मैं ये दवा खा सकता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ऑफिस में गए हैं, मान लीजिए प्रिंसिपल का ऑफिस है, तो प्रिंसिपल अपने काम में व्यस्त हैं और आपके ऊपर गए तो ध्यान नहीं दिए, तो जैसी कमीन करके सर के पूछ के गए फिर भी आपके पास ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने, तो वहाँ पे बोलेंगे कि एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक काम है आप कर दीजिएगा, मेरा एक काम है कि आप हेल्प कर दीजिएगा, तो इस तरह से एक्सक्यूज मी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन से हाउ आर यू, हम कब कहेंगे हाउ आर यू, तो हाउ आर यू किसी दोस्त से पूछते हैं ना हाउ आर यू, तो ये जब भी पूछेंगे, मान लीजिए आपके दोस्त भेटाया लेकिन कुछ दूरी पे है, मतलब हाथ नहीं मिलाया, मतलब हाथ मिलाया नहीं और दूरी पे, एक मीटर का दूरी हो चाहे 10 मीटर का दूरी हो या मेरे आवाज़ उसके पास जाएंगे, तो बोलेंगे हाय फ्रेंड हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो इस तरह से वो व्यतीत करें, तो वो बोलेगा कि मैं ठीक हूँ आई एम फाइन, तो जैसा है वैसा ही चल रहा था, तो मतलब तो आई एम सो मतलब जैसा था, सो मतलब जैसा था वैसा आई एम सो, ठीक है। उसके बाद वो क्वेश्चन करेगा एंड हाउ आर यू, तब आप बताइए कि आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम फाइन, आई एम सेम मतलब आप ही के जैसे, एक बार फिर से अगर पूछ दिया फिर से रिपीट किया कि आप कैसे हैं, मैं तो ठीक हूँ आप कैसे हैं हाउ आर यू, तो बोलेंगे मैं ठीक हूँ आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ आई एम ऑल्सो फाइन, ऑल्सो भी के लिए आप ही के जैसा हूँ, मेरा भी ठीक है, मेरा भी ठीक है मतलब सेम टू यू, मेरा भी ठीक है सेम टू यू, मेरा भी ठीक नहीं है तो इसके लिए बोलेंगे सेम टू यू, वो बोलेगा नहीं नहीं मेरा ठीक नहीं है, आपको भी ठीक नहीं है तो बोल दीजिए सेम टू, सेम मतलब तुम्हारे ही जैसा कंडीशन है। आशा करता हूँ हाउ आर यू समझ में आएगा। अब नेक्स्ट है अब कब कहेंगे हाउ डू यू डू, तो सारा चीज़ सेम ही रहेगा हाउ आर यू वाला, बस ये क्या करेंगे ना कि हाथ मिलाते वक्त कहते हैं, हाथ जब मिला लिया हाथ और हाथ मिलाते वक्त बोलेंगे हाउ डू यू, न कि हाथ मिलाए तो उस वक्त बोले हाउ आर यू, हाउ आर यू तब बोलते हैं जब थोड़ा डिस्टेंस हो, और जब हाथ मिला के हाल चाल पूछे तो उसको बोलते हैं हाउ डू यू, तो सेम आंसर दीजिए मैं ठीक हूँ आई एम फाइन, और उसके बाद फिर वो क्वेश्चन पूछेगा एंड यू और आप कैसे हो, ओके। तो हाउ डू यू आज आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन का प्रयोग कब करते हैं, तो कंग्रेचुलेशन का प्रयोग तब करते हैं जब किसी को सफलता मिल जाती है तो उसको कंग्रेचुलेशन करें, सपोज करिए कोई एग्ज़ाम पास करेगा तो पास कर गया तो उसको बोलेंगे कंग्रेचुलेशन, कोई दोस्त है आपका तो कंग्रेचुलेशन फ्रेंड, कंग्रेचुलेशन ब्रदर, और कोई आपकी सिस्टर है तो कंग्रेचुलेशन सिस्टर, कोई पापा है आपके बिजनेस में उनकी सफलता मिल गई तो बोलेंगे कि कंग्रेचुलेशन फादर, माता है तो माता है, मान लीजिए कोई उसकी वहाँ मतलब जो जब में प्रमोशन हो गया माता जी का तो बोलेंगे कंग्रेचुलेशन मॉम, कोई बच्चा है यूपीएससी क्लियर कर लिया या कोई गवर्नमेंट जॉब मिल लग गया तो उसको बोलेंगे कंग्रेचुलेशन। अब थोड़ा आते हैं कठिन वाले कंग्रेचुलेशन पर, किसी को शादी हो जाता है, अगर शादी हो गया तो बोलेंगे कंग्रेचुलेशन, तो यहाँ पे लगता है कि सफलता नहीं मिली लेकिन एक्चुअल में सफलता मिली, शादी एक ही बार होता है, उसको शादी की सफलता मिल गई तो उसको कंग्रेचुलेशन बोलेंगे कि कंग्रेचुलेशन, ठीक। और किसी के मान लीजिए कोई भी खुशखबरी आ गई जी मतलब कि, और खुशखबरी में कंग्रेचुलेशन हो जैसे मतलब कि सफलता, जैसे मान लीजिए किसी के कोई अपना पापा बन गया मम्मी बन गया तो जो पापा बना उसको बोलिए कंग्रेचुलेशन राम, कंग्रेचुलेशन सीता, इस तरह से उसको कंग्रेचुलेशन बोलिए।
तो नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ गुड एंड नाइस, सॉरी यूज ऑफ नाइस एंड गुड। गुड और नाइस मतलब नाइस का मतलब इसका हिंदी होता है अच्छा, और इसका गुड को भी हिंदी तो पता ही होगा अच्छा। और थोड़ा पीछे आते हैं तो एक कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन का हिंदी होता है बधाई हो, तो बधाई जिसको देते हैं आप लोग हिंदी में बधाई देते हैं ना। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, यूज ऑफ नाइस, नाइस का मतलब अच्छा गुड। ये भी कोई काम कर देता और काम हो गया लेकिन सफलता जैसे नहीं मिली, जैसे मतलब सफलता मिल गई लेकिन मतलब सफलता वाला कणी यहाँ पर नहीं थी, कंडीशन नहीं था। जैसे सर मैंने आपका काम कर दिया तो सर बोलेंगे गुड नाइस, सर मैंने आपका होमवर्क याद कर लिया तो सर बोलेंगे नाइस वाह, सर मैंने ये काम कर दिया नाइस, मम्मी मैंने अपना लंच बैग पैक कर लिया तो बोले कि वाह कभी नहीं करता था नाइस, सर मैंने आज लैपटॉप अच्छे से चला लिया तो बोलेंगे रोज तो हेल्प करना पड़ता था आज कर लिया बाबे नाइस। मतलब छोटी सफलता के लिए नाइस और गुड का प्रयोग करते हैं, या कोई काम कर दे दिया हो तो उसको नाइस का प्रयोग, मतलब छोटी सफलता, बड़ी सफलता के लिए कंग्रेचुलेशन। गुड नाइस हो गया, ये लेट मी चेक कोई छूट तो नहीं रहा है, या वन थिंग छूट रहा है, नो ओके। यूज ऑफ सॉरी, सॉरी कब बोलते हैं, तो सॉरी तो लगता है मेरे को आप लोग सभी लोग जानते होंगे सॉरी कब बोले, तो सॉरी कब बोला जाता है जब किसी को आपने बाधा पहुंचा दिया, ठेस पहुंचा दिया, दुख पहुंचा दिया तो उसको सॉरी बोलेंगे। मान लीजिए किसी की वजह से बांस छूट गया, आपके वजह से किसी का बांस छूट गया तो बोलेंगे सॉरी, मान लीजिए दोस्त है तो सॉरी ब्रदर, सॉरी फ्रेंड्स मेरे कारण आपका बांस छूट गया। किसी का मतलब आप हेल्प नहीं किए, आपका कंडीशन था कुछ उसके पास है उसको हेल्प नहीं किए तो बोले दे सॉरी ब्रदर आपको मैंने हेल्प नहीं किया, मेरे पास ये प्रॉब्लम था। कोई आपसे मदद मांग रहा है कि भाई मेरे को 10,000 रुपया दे दो, आपके पास 10,000 रुपया नहीं है तो बोले दो सॉरी भाई मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। मतलब थोड़ा ठेस पहुँचाए, थोड़ा भी या बड़ा भी ठेस पहुँचाए तो उसको सॉरी बोलते हैं, यानी कोई गलती हो जाए आपसे तो उसको सॉरी बोलिए उनसे। अब गलती ना हो आपको लगा कि थोड़ा मेरा अचानक जैसे हमने बोला कि आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन थोड़ा बोल रिस्पेक्ट में कर सकते हैं सॉरी ब्रदर मैं हेल्प नहीं कर सकता। किसी ने एक मान लीजिए पेन मांगा आपसे, आपके पास एक ही पेन है तो वहाँ पर भी बोल सकते हैं सॉरी ब्रदर मैं आपको पेन नहीं दे सकता। ठीक, तो आशा करता हूँ सॉरी समझ आएगा। तो पहला कंडीशन सॉरी का था कि आप गलती करें तो सॉरी बोले, या किसी को लगता है कि मेरे वजह से थोड़ा ठेस पहुँच रहा है या दर्द पहुँच रही है या फिर मेरे वजह से मतलब कि मैं उसको हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ तो वहाँ पर भी सॉरी करते हैं। जैसे कोई आपसे लैपटॉप मांगा तो मैंने लैपटॉप नहीं दे सकता मेरे को पढ़ना है तो सॉरी ब्रदर मैं आपको लैपटॉप नहीं दे सकता, सॉरी ब्रदर मैं अपने फ़ोन से आपको कॉल नहीं कर सकता, सॉरी ब्रदर मैं आपको लंच शेयर नहीं कर सकता क्योंकि जो लंच लाए हैं वो मेरे से अधिक नहीं है। तो इस तरह से सॉरी का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट मे आई कम इन का कब प्रयोग करें, यूज ऑफ मे आई कम इन। तो मे आई कम इन का प्रयोग कब करते हैं, तो किसी से परमिशन मांगने के, यानी कोई अंदर बैठा जैसे प्रिंसिपल अंदर बैठे हैं तो वहाँ पे तो पूछेंगे मे आई कम इन सर, अगर क्लास में जाना है टीचर ऑलरेडी क्लास में इंटर कर गए हैं तो वहाँ पे पूछेंगे मे आई कम इन सर, अगर कोई ऑफिस है बीओ का डीएम का कलेक्टर का या कोई बैंक को मैनेजर का या किसी का या दूसरे दोस्त का ही हो तो उसे उसके रूम में लगता है कि जाने से पहले मुझे को पूछना चाहिए अनुमति लेना चाहिए तो उसे पूछेंगे मे आई कम इन, जो भी सर है तो मे आई कम इन सर, फ्रेंड है तो मे आई कम इन फ्रेंड, मे आई कम इन मदर, मे आई कम इन पापा, मे आई कम इन ब्रदर, मे आई कम इन सिस्टर, इस तरह से पूछते हैं। अब मे आई गो आउट कब कहेंगे, मतलब इसका मतलब होता है बाहर जाना, गो आउट मतलब बाहर जाना। तो आप किसी भी अंदर है रूम को अगर लगता है कि हम अगर बाहर जाएँ तो यहाँ पे अनडिसिप्लिन कुछ फील होगा,
मतलब नियम को थोड़ा ब्रेक करेंगे, किसी को अचाहा लगेगा तो वहाँ से आपसे पूछ के निकल सकते हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो बोल सकते हैं मे आई गो आउट। अगर जिसका मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट डायरेक्टर, मे आई गो आउट टीचर, मे आई गो आउट प्रिंसिपल, मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट मैम, तो इस तरह से मे आई गो आउट का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें सारा मैनर हमने बता दिया कब किस वर्ड का यूज करते हैं। तो अगर लेक्चर को अच्छा लगा हो तो आप डेफिनेटली लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों को भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। और लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।